पुणे के बस स्टैंड स्थित स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव कुंवर की 14वीं पुण्यतिथि पर पुष्पमाला अर्पित कर पुणे के राजनीतिक, सामाजिक एवं उनके पारिवारिक लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों की चर्चाएं की। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव कुंवर स्मृति संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक लेसी सिंह, विधायक विजय खेमका, जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति सिंह, मेयर सविता देवी समेत कई सम्मानित लोग भी मौजूद थे, जिनका समिति की ओर से पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। संस्थान के कोषाध्यक्ष कार्यानंद कुंवर ने इस दरमियान कहा कि उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके चाहने वालों ने जो सम्मान उनके प्रति दिखाया है, इसके लिए वे तमाम लोगों के प्रति काफी आभारी हैं। आज मेरे पिता स्वर्गीय पिता सुखदेव कुंवर जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके जीवन से बहुत कुछ मैं सीखने का मौका मिला। वो पूर्णिया जिले में पूर्णिया नगर परिषद में आजीवन जब से वार्ड कमिश्नर है, वो मरते दिन तो वार्ड कमिश्नर में ही मरे 15 साल वार्ड कमिश्नर रहे और संघर्ष के लिए वो लड़ते रहे। इसलिए हम लोगों को जो उन्होंने शिक्षा दी कि ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने पद पर चले रहना, विपत्तियों से घबराना नहीं, संघर्ष से डरना नहीं, इसको पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताना और गरीबों की भलाई करना और दूसरों से प्रेम मोहब्बत से जीना, इसी शिक्षा को देकर उन्होंने अपने अपना अंतिम सांस 19 अक्टूबर 2005 में स्वर्गवास हुए। उसी दिन से मैं उनके बताए पर उनकी यादगारी में ये मूर्ति लगाई है और जो है उनका पुण्यतिथि हर साल आप लोगों की मदद से, पूर्णिया वासियों की मदद से मनाते आ रहा हूँ। आज विशेष काज इस बार जोड़ दिया गया रक्तदान शिविर, उनके मेरे दामाद यानी उनके पुत्र दामाद यहाँ डॉक्टर प्रस्थापित हुए, उन्होंने कहा कि उनके नाम पर रक्तदान भी इस साल से शुरू किया जाए जो कि देश की भलाई के लिए है। उसी नाम पर एक रक्तदान का शिविर चलाया गया जिसमें धूमधाम से लोगों ने भाग लिया और रक्तदान दिया। रक्तदान देने वालों को मैं सब परिवार अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उनके जीवन की लंबे वायु की कामना करता लाइफ की कामना करता हूँ।